शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। ये क्या किया आपने कीर्ति जी? अपनी ही बहन को जान के धमकी देते हुए शर्म नहीं आई आपको? गौरी तुम चुप करो, हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्या ये रिकॉर्डिंग झूठी है? ये शिकायत झूठी है? और अगर ये सब झूठ है तो फिर कहाँ है श्रद्धा जी? बोलिए। तुम अपनी हद में रहो गौरी, ये सब गलत, हमने कुछ किया ही नहीं है। एक मिनट, क्या तमाशा चल रहा है? हाँ गौरी, तुम बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम जानते हैं कीर्ति अपनी बहन को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम क्या जानो दोनों बहनों के बीच का रिश्ता कितना पक्का है? हमें आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ बुआ जी, लेकिन हम जानते हैं इनकी अपनी बहन के लिए नफरत। बहुत बार सुना है हमने इनके बारे में, और अब तो रिकॉर्डिंग में भी हमने श्रद्धा जी से सुन लिया। अरे हम इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, घर में ऐसे तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। हम हमारी श्रद्धा को अच्छे से जानते हैं, वो हमारे परिवार की बात कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं लेकर जाएगी। रिश्तों में चाहे कितनी भी कड़वाहट आ जाए, पर श्रद्धा भाभी कभी भी अपनों के खिलाफ नहीं जाएंगी। हाँ सर, श्रद्धा ये घर छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ये परिवार ही उसकी ताकत है। अरे बहन, हमारी समझ के तो बाहर ही है ये परिवार। अरे हर दिन एक नया तमाशा। वही तो, हमें यहाँ बुला के श्रद्धा खुद गायब है। हमें तो लगता है कीर्ति ने ये कांड किया होगा। अरे का बीवी जी, ये का कर दिया आपने है? बहन बहन की दुश्मन बन के डसे रही, ये हमने कभी सपने में भी ना सोचा रहा ना। नच्छे गुलाल, तुम ना चुप रहो, हद में रहो अपनी। अरे हमने कुछ भी नहीं किया है। वो तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा, फिलहाल हमें आपको गिरफ्तार करना ही होगा। चलिए। इसने कुछ नहीं किया है। मैडम प्लीज ऐसा मत करिए। देखिए, पुलिस के काम में दखल ना दें, आपके लिए बेहतर होगा। और अगर कार्रवाई में कुछ नहीं मिला तो हम इन्हें छोड़ देंगे, कानून पर भरोसा कीजिए। ले चलो उनको। रे 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 भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए हमारी बीबी जी को, हम कैसे रहेंगे इनके बिना? हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए बीबी जी। तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए बीबी जी। हा? हमको घर से फेंकने चली थी, तीसरे रोज छक्की, अब जेल में। तुम चिंता मत कर, मैं श्रद्धा को ढूंढ लूंगा। तुम्हें और श्रद्धा को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो। बीवी जी, हम कैसे रहेंगे आपके बिना बीवी जी? माफ कीजिए, लेकिन अभी हमारे इस घर की मुसीबत को सुलझा लेने दीजिए। गौरी, क्या किया तुमने श्रद्धा के साथ? जिंदा की मर गई बे, चेक कर। सांस नहीं चल रही इसकी तो। अब क्या क्या
लगता है अभय जी, आपने रिकॉर्डिंग में सुना ना, कैसे कीर्ति जी ने श्रद्धा जी के साथ? कीर्ति ने कुछ नहीं किया है, तुमने किया है। क्या किया मेरी श्रद्धा के साथ बताओ, वरना कैसे शांत हो जाओ, पता नहीं श्रद्धा किस हाल में। श्रद्धा ये तो अभी भी जिंदा है। मेरी बहन को जेल में डालोगे, वहाँ मुझे बंद कर दोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यही सोचा था ना तुमने गुलाल? अबे यार, तुम तो हमारी सांस हलक तक ला दी रही, कहाँ कर रही हो भाई? कैसी लगी हमारी आवाज? अरे हूबहू श्रद्धा जैसी, पर ये हुनर पैदा कहाँ से की रही तू? बचपन से ही ना, लोगों की आवाजें निकाल के हम अपना काम निकलवाते थे, और देखो आज हमारा काम भी हो गया। पुलिस तक को एक चुटकी में चकमा दे दिया हमने। अरे तुम्हारे दिए चकमा ने तन से एक बहन की इज्जत कर दी चकनाचूर, और धन से दूसरी बहन को कर दिए रहे हम एक दुनिया से दूर। कैसी रही? जबरदस्त रही। लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना गुलाल, छोड़ना मत उस श्रद्धा को। कैसे कैसे साली जी, देखो तुम्हारी सारी होशियारी तो धरी की धरी रह गई। अरे कम से कम गौरी का तो काम निपट जाने दियो। तुम गौरी के साथ मिलकर मुझे यहाँ लंबा नहीं फंसा सकते हो। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। सच सामने आके रहेगा। सच सामने आकर आएगा। अरे अमरी वेरी वेरी मत प्यारी फुलझड़ी, सच जानने खातिर तुमका बाहर जाना रहा, वो कैसे करोगी है? क्योंकि हमरे रहते तू ना हो सके ना। अरे ये बकैती के चक्कर में एक बात तो हम तुमको बताना ही भूल गए, खुशखबरी देना भूल गए तुमका। अभी काम करो, ये कान का दरवाजा खोलो और खुद ही सुन लो। अगर मैं एक भी पल अपने घर में रही तो वो कभी भी मेरी जान ले सकती है। जब तक कीर्ति वहाँ है मैं वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने ये कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है मैंने। अरे ना 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 श्रद्धा जी, आप समझ नहीं रही हैं।
तुम्हारा बोला नहीं बोला वो जरूरी नहीं रहा, तुम्हारी ई आवाज सही जगह तक पहुंचे ई जरूरी रहा। तुम्हारी ई आवाज वहां पहुंची और तुम्हारी बहन जेल पहुंची। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं गुलाल। कैसे पहले हाथ तो खुला। सत्ता जी, मम्मी जी वो अभी तक घर नहीं आई है, पर अब आप कह रहे हैं कि आपके पास भी नहीं आई, वो गई कहाँ? वो अगर जैसे ही घर आती है तो मैं आपको बताता जी। वो श्रद्धा मायके में भी नहीं है। हे माता रानी, आखिर श्रद्धा है कहाँ? अबे अब तो हमें भी लग रहा है कि गौरी ने श्रद्धा के साथ कुछ किया है। अबे श्रद्धा का कुछ पता चला? नहीं अनुज जी, कब से बेचारा फोन लगाए जा रहा है। पापा, कीर्ति भाभी कैसी है? बेटा जब तक श्रद्धा उनके सामने नहीं आ जाती, पुलिस ने बोला है वो कीर्ति को नहीं छोड़ सकते। भैया बेल भी नहीं मिल सकती क्या? नहीं, आज तो कोर्ट भी बंद हो चुका है, मेरी लॉयर से बात हो गई है, अब जो होगा वो कल सुबह ही होगा। जान से मार दूंगा गौरी को, जान से मार दूंगा उसे। अभय समझते क्यों नहीं हो यार? अरे कीर्ति पहले से जेल में है, श्रद्धा को मिली नहीं है, और बेटा तुम ऐसे संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं मैं खुद को? श्रद्धा का फोन नहीं मिल रहा, वो कहीं मिल नहीं रही है, गौरी ने उसके साथ पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं मेरी श्रद्धा की हालत में होगी। पुलिस ढूंढ रही है श्रद्धा को। बेटा मेरा श्रद्धा बहुत समझदार लड़की है, देखना वो वापस आ जाएगी। अबे खुद को संभालो, माता रानी हमेशा श्रद्धा के साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। जी लो इस झूठी उम्मीद में सब, पर हमारे रहते श्रद्धा की परछाई भी इस घर में वापस नहीं आने वाली। घर तो तुम जाने से रही साली जी, जितनी कोशिश करनी है कर लो। घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा, बेचारी कीर्ति बिना किसी गलती के उसे रात जेल में बितानी पड़ रही है। कैसे भी मुझे यहाँ से निकलना होगा, माता रानी रास्ता दिखाइए। बहुत ही बढ़िया, हमेशा से अपने पति के हाथ का खाए, आज थोड़ा हमारे हाथ का खाए। दूर रहो मुझसे। ज्यादा मुंह चलाओगे ना तो जहर भी मुंह में ठूस देंगे, बता ही रहे हैं। गिलो भैया जी, ठीक तो तुम्हारी हिम्मत तो अब हम तोड़ रहे, तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ के।
चलो ले चलो उसे। अभय बचा लीजिए मुझे। अभय श्रद्धा मुझे बचा लीजिए। अभय अभय श्रद्धा ये सपना श्रद्धा को कुछ नहीं हो सकता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे श्रद्धा को ढूंढना ही होगा। बार बार मेरा दिल कह रहा है कि वो ठीक नहीं है। नहीं की रही श्रद्धा, हमारी जरा सी झपकी का लगी तुम ऐसा फायदा उठाए रही है? ये तो भारी मच गलत की रही था। मुझे रोकने के लिए तुम्हें मेरी जान लेनी होगी गुलाल। अरे तुम्हारी जान की चाबी तो हमारे पास है, कैसे भागोगी है? अबे उठो पकड़ो इका। अरे भैया जी ए वो लड़की कहाँ गई? लड़की रुक जा। छोरी से पिट पिटाई के लमले की आएगा हो क्या? पकड़ो उका। नलायक साल। भाई साहब आपने इनको कहीं देखा है?
नान नान आपने इनको कहीं देखा है? ध्यान से देखिए ना। नहीं 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 देखिए। हेलो श्रद्धा, अभय तुम कहाँ हो? अभय मैं मंदिर के पीछे वाले गोडाउन की गली में हूँ। आप जल्दी से प्लीज आ जाइए। अभय हाँ मैं हेलो श्रद्धा का फोन बंद आ रहा है। हे भगवान फोन भी बंद हो गया, अब क्या करूं? चप्पा चप्पा छान मारो, कोनों के भी नजर में ना आने पाए। श्रद्धा तुम कहाँ हो? अब यह तो साली जी की आवाज निकली रही या सालू जी की जान। लड़ाई में तुम्हारा पति तो हमको बहादुर दिखाई देगा, पर हमारे आदमी के हाथ में उका खून पक्का रहा। अब या तो हमारे साथ चलोगी या तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पति मरेगा। हाँ क्या कहती हो? श्रद्धा अमरी साली जी शुरू से रही बहुत ही समझदार। तो चले साली जी हा? वकील साहब सुनी तो रहे हम, कल से हमारी बहू जेल में है, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी सबूत के। आप प्लीज उसको जल्द से जल्द जेल से छुड़ाइए। हे भगवान, हमारे घर की बहुओं पे पता नहीं कैसा खतरा मंडरा रहा है। एक जेल में है और दूसरी का पता ही नहीं चल पा रहा। भाभी इसे खतरा नहीं, काला जादू कहिए। उस गवार गौरी ने काला जादू कर कर रखा है हमारे घर पे। ये सब छोड़ो, बस कैसे न कैसे करके अभय श्रद्धा को लेकर आ जाए घर में। बस अबे अबे क्या हुआ? श्रद्धा के बारे में कुछ पता चला? हाँ अबे बताओ ना, श्रद्धा कहाँ है? अबे हम तुमसे पूछ रहे, तुम इतने चुप काहे हो? कहाँ है श्रद्धा? नहीं मिली।
हर जगह ढूंढ लिया मैंने, पर श्रद्धा कहीं नहीं मिली। श्रद्धा का पता लगाने का सिर्फ एक रास्ता था, कल आप सबने मुझे रोक लिया था, पर आज नहीं मैं रुकूंगा, आज नहीं। अभय, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। अभय, गौरी, गौरी, अभय जी, क्या कर रहे हो? बहुत होगी सबकी मनमानी, आज या तो तुम बचोगी या मैं। बोलो कौन है श्रद्धा? अभय जी, बताओ। छोड़ इसे, छोड़ो इसे। पापा जी, रोकिए। अभय, इसको चोट लग गई तो मैं क्या करूं? पापा, पता नहीं श्रद्धा के साथ क्या किया, किस हाल में होगी वो। मुझे मेरी श्रद्धा को भी चाहिए। हम आपको श्रद्धा जी का पता बता देंगे, बस आप हमसे शादी कर लीजिए। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आ गए ना तुम अपने असली औकात पे? जो समझना है समझ लीजिए, पर अगर हमें खरोच भी आई ना तो श्रद्धा जी का बचना नामुमकिन है। कल हमारा जन्मदिन है, उससे पहले कानूनी तौर पे हमसे शादी कर लीजिए, फिर हम खुद आपको श्रद्धा जी तक पहुंचा देंगे। एक बात तुम याद रखो, श्रद्धा इस घर की बहू है और तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती हो। श्रद्धा, 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 तब कहाँ थी आप जब आपके बेटे ने हमारी मांग भरी थी? क्या? हाँ, जब देखो तब मांग भरी थी। मरा नहीं जा रहा था हमारा बेटा तुम्हारी मांग भरने के लिए। उसने अपने माँ की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी मांग भरी थी। और हमारा बच्चा? हमारा नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के भविष्य का ही सोच लीजिए। अरे, अभी तो हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं की है, तो अपने खून का भविष्य कैसे अंधेरे में धकेल दे? ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं कानूनी तौर पे तुमसे शादी करूं और इस बच्चे को भी अपना नाम दूंगा, पर बदले में तुम श्रद्धा को छोड़ दोगी। मंजूर, कल हमारे जन्मदिन पे हम दोनों की नई शुरुआत भी होगी और श्रद्धा जी की भी आजादी हमेशा के लिए। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, लेकिन तुम श्रद्धा की जगह कभी नहीं ले सकती हो। हेलो, आज ही खत्म करो काम, मार डालो श्रद्धा को। जैसा तुम चाहो गौरी, खुशी खुशी कर देंगे तुम्हारा काम। श्रद्धा त्रिपाठी का आज अंतिम संस्कार होएगा, वाह, समझ लो। समझेंगे तो अब वो हमें, जो श्रद्धा की आजादी के लिए हमें धमकी देने आए थे। ठीक है, आज उसकी आजादी और कल हमारी शादी, और फिर चल पड़ेगी हमारी जिंदगी की नैया। आ,
भाई लोग। भैया जी जाओ तनी खाई पी लो तुम लोग कुछ, हाँ तब तक हम नजर जमाई बैठे हैं अपनी साली जी पर। जाओ चलो भैया जी। तो साली जी जिस दिन से नजर जमा रहे ना तुम पर उस दिन से ही कलेजा आएगा वहां तुम पर। अब क्या करें, अभी कलेजे पे पत्थर धर के तुमने जान ली पड़ी हमका, क्या करें, ना इंसाफी है बहु, बहुत ना इंसाफी है। बहुत देर हो गई, तब तो फोन आ जाना चाहिए था गुलाल का कि श्रद्धा का खेल खत्म हो गया। हम ही फोन लगा लेते हैं। उठा क्यों नहीं रहे, काम हो गया? अरे तनिक सबर तो रखो गौरी, अरे तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। क्या मतलब श्रद्धा मर गई? अरे हाँ भाई मर गई, श्रद्धा त्रिपाठी मर गई। मार मार के भूरता बना दिए रहे हमरा। अरे जो तुम बोली रही वही तो किए रहे हम। औरत से हार गए हम, लानत है गुलाल। हुआ श्रद्धा छोड़ दे रहे हम का है? देखो देखो हम तो बस कठपुतली बने रहे हैं, कभी तुम्हारी बहन के, कभी तुम्हारी सासू माँ के, और अब तुम्हारी सौतन के। ये सारा का सारा दिमाग वो गौरी का रहा। जब कठपुतलियों का काम खत्म हो जाता है ना, तूने ऐसे ही बांध के छोड़ दिया जाता है गुलाल। अब तुम भी ऐसे ही बंधे रहो और यही सड़ते रहो जब तक कोई तुम्हें यहां से आके छुड़ा ना ले। श्रद्धा ये श्रद्धा दादा खोल दे रहे हम का, श्रद्धा काहे छोड़ के जा रही है? अरे भूखे प्यासे तन्हा मर जाएंगे यहाँ अकेले। श्रद्धा श्रद्धा अभय तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकते हो? गौरी के साथ शादी रजिस्टर करोगे अब? अभय वो सीना ठोक कर तुम्हें फंसा रही है और तुम फंस रहे हो। उसने कहा कि वो श्रद्धा को छोड़ देगी, अगर उसने नहीं छोड़ा तो क्या करेंगे? और नहीं तो क्या, उस लड़की का कोई भी भरोसा है? मैं अभी भी वक्त पे सोच रहा हूं। मैं तो कहता हूं उस गौरी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वो अपने आप उसको सबक सिखाएगी और अपनी श्रद्धा को भी ढूंढ कर लाए। मैं अभी बात करता हूँ थाने में। पापा मुझे भरोसा रखिए, मैं जो करता हूँ सोच समझ कर करूँ। श्रद्धा के लिए मैं कुछ भी कर सकता, बस वो घर वापस आ जाए। कीर्ति त्रिपाठी को लेकर आओ। जी शुक्रिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर वो रिकॉर्डिंग भेजी किसने? आवाज तो आप ही की लग रही थी, आपको किसी पर शक है? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब,
मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन हो सकता है, मगर मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा इस बारे में मैं सबसे पहले आपको ही खबर दूंगी। ठीक है, हम भी पता करते हैं, छोड़ेंगे नहीं उसे। कीर्ति, तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे कीर्ति, मेरी वजह से तुझे इतना सब कुछ, मैं सच कह रही हूँ, वो रिकॉर्डिंग मेरी नहीं है। जानते हैं दीदी, हमें पता है कि आप हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। हमें तो इस बात की खुशी है कि आप ठीक हैं, पर आप कल से थी कहाँ? मैं तुझे सब बताती हूँ, चल मेरे साथ। कीर्ति, गौरी और गुलाल ने मिलकर मुझे किडनैप करवाया है। क्या? उन दोनों की इतनी हिम्मत? और सिर्फ इतना ही नहीं कीर्ति, दोनों मिलकर मुझे जान से मार देना चाहते थे। किसी तरह से बचते बचाते यहाँ पर भाग के आई हूँ मैं। दीदी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इन दोनों के खिलाफ कंप्लेन करेंगे, और उस गौरी को तो चलिए अभी कंप्लेन कर। नहीं कीर्ति, अभी नहीं। दीदू, अगर वो लड़की इस तरह से आजाद घूमती रहेगी तो हम सबके लिए खतरा है। पता है मुझे कीर्ति, और मैं चाहती ना तो आते के साथ उनके खिलाफ कंप्लेन लिखवा सकती थी, मगर मुझे पूरा यकीन है अभय ने जो गौरी की मांग भरी उस बात को लेके गौरी कोई ना कोई बड़ा तमाशा जरूर करेगी, और ऐसे में फिर अभय फंस जाएंगे। और दीदू, फिर क्या करें, छोड़ दें उन लोग को? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आगे का प्लान क्या है? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो गौरी खुद कानून के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करेगी। ठीक है, हम आपके साथ हैं दीदू। अब यहाँ आए हैं तो एक गुनाह की कंप्लेन तो करके जाएंगे। गुलाल, अपनी पत्नी पे हाथ उठाने का जुर्म। हम पे हाथ उठाया था ना तुमने, अब देखो कैसे हमारे घर के आसपास मंडराते हो तुम। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। अरे नानी, हम कुछ ना करेंगे। अब हम त्रिपाठी निवास के आसपास तो का, हम पूरे कानपुर के पास भी ना पड़ रहे हैं। ना पड़ के इंस्पेक्टर साहब, हमको बात करने दीजिए दोस्त के नाई। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हैं हमें छोड़ दिया है यहाँ से। अब माफी मांग रहा है? हाँ, कब तेरी इज्जत कहाँ गई थी जब बीवी पर हाथ उठा के शेर बन रहा था? हाँ, हमारी शकल देखी, हमारी शकल देख के आपको लग रहा है? अरे खुद पिट पिट आया, वो आदमी कहाँ हाथ उठाएगा औरत? अरे वो पीटा रहा है हम का। हम मैया की कसम खा रहे हैं, अब तुमको कभी तंग ना करेंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, तुमको कभी तंग ना करेंगे। ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। अरे जो तुम बोले सारी शर्त मंजूर है तुम्हारी, तुम्हारे नौकर भी बनने को तैयार है, तुम्हारे पैर दबाएंगे, खाना बनाएंगे, सब करेंगे भी। अब ठीक है सर, इन्हें जाने दीजिए, हमें लगता है इन्हें इनकी गलती का एहसास भी हो गया है और इन्हें पछतावा भी है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। छोड़िए। ठीक है, अगली बार तेरी कंप्लेंट आई ना तो हाथ उठाने लायक नहीं बचेगा। कहिए क्या करना है हमका? आप हमें यहाँ बाहर क्यों लेके आए हैं अभय जी? तुम्हें शादी रजिस्टर करवानी थी ना, तो बस आज ही होगी यहाँ। रजिस्ट्रार बुलाया मैंने, आ रहे हूँ। सच? हाँ, आओ बैठो। भैया, आप ना ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक बार फिर सोच लीजिए। भाभी के पीछे से ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और तुम ना हमसे आशीर्वाद की उम्मीद भी मत रखना,
ये हमारे घर की तो क्या किसी भी शरीफ घराने की बहू बनने के लायक नहीं है। गौरी काश तुम्हारी परवरिश सही ढंग से हुई होती ना तो तुम्हें समझ आता कि ये जो मजबूरी वाला रिश्ता है ना ये बोझ होता है। हम जो ये सब झेल रहे हैं ना वो सिर्फ हमारी श्रद्धा की वजह से झेल रहे हैं। झेलना तो अब आपको जिंदगी भर पड़ेगा ससुर जी क्योंकि श्रद्धा तो इस दुनिया में रही नहीं। बात यहाँ सिर्फ आपकी ही नहीं हमारी मजबूरी की भी है। हमें अपने होने वाले बच्चे के भविष्य का भी तो सोचना होगा ना। तो आप सब लोग हमें मान लीजिए अपनी बहू। तुम ना सिर्फ त्रिपाठी परिवार की बहू बनने के सपने सजाती रहो लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी सच नहीं होगा। अपनी गौरी के सपने को सच कराए खातिर आए रही गुलालुआ और स्टार साहब को साथ लेके आया। अच्छा हुआ तुमने सही समय पे मुझे फोन करके सब बता दिया था श्रद्धा। अब हम इस गौरी का खेल मिलकर खत्म करेंगे। रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करते हैं। आइए बैठिए। मैडम यहाँ साइन कीजिए। सर आप भी साइन कीजिए। शादी मुबारक हो आप दोनों को। रजिस्ट्रेशन के पेपर बनते ही हम आप दोनों को खबर कर देंगे। चलते हैं। सत श्री अकाल। ना सारा तमाशा कर ली ना तुमने अभय की जिंदगी बर्बाद। अब बताओ बताओ कहाँ है श्रद्धा बोलो। सॉरी तुमने मुझसे वादा किया शादी रजिस्टर होते ही तुम श्रद्धा को आजाद कर दोगी। इतनी जल्दी क्या है। एक मिनट रुकिए। अपना वादा याद है अभय जी पहले अपना मुंह तो मीठा कर ले। आखिर हम दोनों कानूनी तौर पे पति पत्नी जो हो गए हैं। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब पहले सीधा सीधा बताओ कि मेरी भाभी कहाँ है। हाथ छोड़िए हमारा।
आपकी भाभी अब हम हैं, तो थोड़ा तमीज से। और श्रद्धा जी के बारे में हम कल अपने जन्मदिन के बाद ही बताएंगे। हमने बुरा नहीं माना कि आपने हम पे हाथ उठाया। आखिर आप हमारी मम्मी जी हैं और बड़े तो छोटों पे हाथ उठा सकते हैं, बिल्कुल आशीर्वाद की तरह। चुप! एक शब्द नहीं अब हम सुनेंगे तुमसे। आखिर तुमने हमारे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी ना। अरे श्रद्धा कहाँ है बताओ हमें, धोखा देना तो इसके खून में। हमने बोला था तुमसे अभय कि इसकी बात पे विश्वास मत करो, ये दोगली है दोगली। देखो गौरी, हम आपसे विनती करते हैं, हमारी श्रद्धा हमें लौटा दो। अरे जब इतना इंतजार कर लिया है तो एक दिन और सही। हम जानते हैं श्रद्धा जी के आते ही हमारी खुशी किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगी, तो एक दिन बस हमारे जन्मदिन पे हमें खुश रहने दीजिए। फिर हम वादा करते हैं कि हमारे जन्मदिन और शादी के जश्न के बाद श्रद्धा जी आप सबके साथ होंगी। कोई जश्न नहीं मनेगा इस घर में। तुम चुपचाप से हमें अभी के अभी बताओ कि श्रद्धा है कहाँ, वरना हम तुम्हें ना। मम्मी मम्मी रहने दीजिए ना, एक ही दिन की बात है ना। अरे बेटा इतना कुछ होने के बाद तुम इस धोखेबाज का साथ दे रहे हो। मम्मी हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसा गौरी ने कहा, श्रद्धा हमारे बीच में होगी 24 घंटे बाद। चौबीस घंटे में आप ऐसा क्या करेंगी दीदू? सब बताती हूँ कीर्ति, थोड़ा सब्र तो रख। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं। लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी जान सूख गई थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा था मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जब तक आपका साथ और आपका प्यार मेरे साथ है ना अभय, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम लोग का प्यार व्यार हो गया हो तो समझाओगे आगे का प्लान क्या है? अब हमारा अगला कदम होगा गौरी से सारे गुनाह कबूल करवाना, खुद उसके मुंह से सच निकलवाना और वो सारे गुनाह जो उसने किए हैं उसे कबूल करवाना। पर कैसे, वो अपना मुंह नहीं खोलेगी, बहुत तेज है वो और शातिर भी। देखा नहीं कैसे भोले चेहरे के पीछे बड़ी बड़ी बातें करती है, बातें घुमाती है। हमें नहीं लगता वो कुछ सामने कबूल करने वाली है। तो यही तो हमें उसे कबूल करवाना है कीर्ति। क्या चल गया रहा तुम्हारे दिमाग में? मुझे पूरा यकीन है अपने जन्मदिन के जश्न के नाम पे वो कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करने वाली है। धमाका होगा अब कल तो। श्रद्धा मिले ना मिले लेकिन उसकी अस्थियां इन्हें जरूर मिल जाएंगी। श्रद्धा की अस्थियां नहीं, वो का जीता जागता भूत तुम्हारे सर पर ऐसा नाचे रहा कि जिंदगी में कभी अपना जन्मदिन वा नहीं मना पाओ तो। हमारा जन्मदिन ऐसा मनेगा कि पूरा मोहल्ला याद रखेगा। बड़ा श्रद्धा श्रद्धा कर रहा था ना त्रिपाठी निवास, अपना वादा निभाएंगे, पूरे परिवार को उनकी श्रद्धा के पास ही भेज देंगे और ये हम खुद करेंगे। पहले तो उस बुढ़िया के उस थप्पड़ का जवाब देंगे हम, और जवाब हम देंगे गौरी को कि वो फिर कभी ऐसा गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। तो कल होगा।
होगा। मिशन गौरी को सबक। और गौरी जाएगी हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। माता रानी, कल सिर्फ सच की जीत हो। इस लड़की को ना हम बिल्कुल नहीं जीतने देंगे। छोड़ के रख दे। मम्मी मम्मी क्या कर रही हैं आप? अरे तुम क्या कर रहे हो? जिस लड़की ने हमारी श्रद्धा को छीन लिया, तुम उसके जन्मदिन की खुशी मनाना चाहते हो? मम्मी आप हम नहीं भूले हैं श्रद्धा को, लेकिन तुम्हारी इस लड़की से क्या शादी हुई? तुम श्रद्धा को भूल गए? ठीक है, तुम उसकी जीत का जश्न मनाना है ना, तो हमारे आरती पे मनाना। बुआ जी आप भी समझो और मम्मी को भी समझाओ, मैं श्रद्धा को भूला नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। अभी अभी अभय चाहे कितनी भी बेवकूफियां करे या गलतियां करे, श्रद्धा से बहुत प्यार करता है, जरूर इसने कोई प्लान सोच के रखा होगा। हमें नहीं पता उसका क्या प्लान है, लेकिन हमें हमारी बहू वापस चाहिए। भाभी भाभी रुकिए। सोचा तो मैंने भी यही है मम्मी, बस एक बार मेरे को उस गौरी के प्लान का पता चल जाए। चलो वक्त पे हमारा केक घर भिजवा देना, अगर एक मिनट की भी देरी हुई ना तो फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे हम। गजबे वैसे, अपना ही जन्मदिन का ही खुशी एक अनाथ को, वो भी इतना तैयारी करेगा सर? ये खुशी खाली जन्मदिन का तो नहीं लगाते होगा, और का होले होले पकाई रही हो है? ये खुशी सिर्फ जन्मदिन की नहीं है, हमारी जीत की भी है। अब आखिर अभय जी कानूनी तौर पे हमारे पति जो बन गए हैं, और इस खास दिन पे ना खास केक बनवाया है हमने। ये बात कवि, चलो अब हम भी बाकी का काम निपटा ही दे रहे हैं, सबसे बड़ा काम तो बचा। अभय और उखे पूरे परिवार पर नजर रखेगा, जाते हैं। और अब हम अपना काम पूरा करेंगे। आज का दिन तो धमाकेदार होगा, आग लगा देंगे हम। हमारे जन्मदिन पे हमारे साथ आज हमारा पूरा परिवार है, इसलिए आप सबका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए नाटक गौरी, फिर हमारी बारी होगी। जीत इस बार भी हमारी होगी अभय जी, सिर्फ हमारी, आप सबकी जान। इस घर की नींव हमने पहले ही हटा दी, श्रद्धा की मौत के गम में जब जी ही नहीं पाएंगे आप सब, तो उसी के पास चले जाइए। चलिए केक काट लेते हैं, हम लेकर आते हैं। गौरी एक मिनट, हमारे यहाँ जन्मदिन पूरे जश्न के साथ मनाया जाता है, नाच गाना होता है। अरे वाह, हमारे लिए? अब तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारे जन्मदिन पे भी नाच गाना तो होना चाहिए। इसके प्रोग्राम के लिए मैंने किसी को बुलाया, आइए। जन्मदिन की बधाई हो गौरी, तो हर जन्मदिन के खातिर
हम दोनों यहाँ एक नाच पेश कर रहे हैं। आप बैठिए बैठिए, नाच का मजा लीजिए। गौरी, वाकई बहुत अच्छा नाची आप दोनों, शुक्रिया। खास तोहफा, खास दिन के लिए, आपके जन्मदिन के लिए। शुक्रिया, भगवान करे कि आपको ना खूब खूब खुशियां मिले। हमारी तो यही दुआ है भगवान से। बहुत खुश रहे आप, बहुत खुश। ठीक है ठीक है, शुक्रिया। हाँ, हम केक लेकर आते हैं। इस लड़की के तमाशों से ना हम तंग आ चुके हैं। अभी उसे अपने जन्मदिन का केक काट लेने दीजिए, और अगर उसके बाद भी उसने श्रद्धा का पता नहीं बताया तो उसका वही केक उसके मुंह पे मारेंगे। दीदू भी अंदर है, कहीं गौरी ने उन्हें देख तो नहीं लिया। मैं तो बहुत डर लग रहा, पूरा खेल ही खराब हो जाएगा। दीदू चलिए आइए, हम अपने जन्मदिन का केक पूरे परिवार के साथ काटना चाहते हैं। हमारे लिए ना सही, कम से कम श्रद्धा जी के बारे में ही सोच के हमारी खुशी में शामिल हो जाइए। तो तुम भी थोड़ा मेरे भाई के बारे में सोच लो, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी सारी तैयारी की है। कम से कम 2 मिनट तो और इंतजार कर सकती हो ना उनका। अरे अभय जी आ जाएंगे। वो क्या है ना कि अभी इसी वक्त केक काटना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इसी वक्त पैदा हुए थे। चलिए आइए। Happy birthday to Gauri.
Happy birthday to Gauri. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Gauri. खरीने वाला तो मीठा ही होना था। खाइए जहर वाला केक और जाइए अपनी श्रद्धा के पास। आप दोनों भी खा लीजिए। दुश्मन को ना पर्दे के पीछे से भी पहचान लेते हैं। हम जानते थे ये तुम दोनों ही हो सकते हैं। क्या श्रद्धा, तुम बच के भी अपने परिवार के काम नहीं आई, अपनी आंखों के सामने मरने दिया इन्हें। पापा जी, पापा जी, पापा जी उठिए, बुआ जी, बुआ जी उठिए, मम्मी जी, आरती, आरती, आरती उठो। आरती, मम्मी जी, आरती, शर्म आनी चाहिए तुम्हें गौरी, आरती भी मां बनने वाली थी। इतना कैसे गिर सकती हो तुम? क्यों किया ये? क्यों? दीदू, दीदू, देखो श्रद्धा, मैंने तेरा परिवार नहीं तोड़ा है, बल्कि तुझे तेरे परिवार के पास ही भेज रहे हैं हम। अब मनाना,
अपनी अनेकता में एकता, स्वर्ग में और हमारा भाई जी एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्यों क्यों तुमने क्यों 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 किया तुमने क्यों क्यों आप सब हमारी खुशी के दुश्मन बने हुए थे? क्यों हमें बार बार घर से बाहर निकाल रहे थे? बस इसीलिए हमने आप सबको इस दुनिया से ही बाहर फेंक दिया। मुबारक हो गौरी त्रिपाठी। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। हो चुका है गौरी, तुम्हारा खेल खत्म। हमने तो केक में जहर मिलाया था, फिर आप सब जिंदा भूत। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। ये हमारे परिवार का आपस में रिश्ता टूटे, हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते। क्या हुआ, यही सोच रही हो ना? आखिर ये सब हुआ कैसे? जन्मदिन मनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें, अपनी जीत की खुशी में इतनी खो गई कि अपनी हार को नजरअंदाज कर दिया तुमने। हमारे प्लान के चक्कर में ना श्रद्धा, मुझे मम्मी का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। ये फालतू की मेहनत वापस करनी पड़ रही है। कौन है बे? मुझे तभी शक हो गया था तुम पे कि तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है केक के साथ।
इसलिए जैसे ही हमें समझ आया हमने सबसे पहले केक बदलने का प्लान किया। प्लान के हिसाब से सब सही चल रहा है, अब बस आखिरी पड़ाव। एक बार ये जहर वाला केक पूरा परिवार खा ले, फिर मनाएंगे हम अपना जश्न। जुनून में इतनी अंधी हो गई कि सब कुछ बिगाड़ते चली गई। अब तुम्हें इस घर से जाना ही होगा गौरी। के बाद हिम्मत मत करना हमारी बहन को हाथ लगाने की, समझे? जन्मदिन मुबारक हो गौरी। जेल में आखिर तुमने हमें मौका दे ही दिया पुलिस को बुलाने का। नहीं बुआ जी, हमें माफ करिएगा, पर हमने ना आपसे पहले ही पुलिस बुला लिया, आते ही होंगे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। और जब तक इसकी सजा पूरी नहीं हो जाती इसे जेल से मत निकलने दीजिएगा। इसने हमारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की है, ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरेस्ट करो। हम नहीं जाएंगे। हाँ अभय जी, हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। अभय जी, आप कैसे हमारे बच्चे को जेल में पैदा होने दे सकते हैं? अभय जी, हम जानते हैं, हम अपनी जिद में ना अंधे हो गए थे, हमने हर हद पार कर दी।
लेकिन हम अपने आप को सुधार देंगे। हमें माफ कर दीजिए अभय जी, बस एक मौका दे दीजिए। अरे दूर रहो हमारे बेटे से। अरे तुम्हारे अंदर जो अंश पल रहा है वो हमारे बेटे का नहीं है और ये बात हम सब जानते हैं। धनी किसके बच्चे को हमारे सर पे डाल रही है? नहीं मम्मी जी, रिपोर्ट में भी तो निकला था ना, ये बच्चा अभय जी का ही है। आपका पोता या पोती है, इस घर का चिराग। बुआ जी, बुआ जी आप समझाइए ना, अच्छा लगेगा इस घर के बारिश के पैदा होने से पहले उसके सिर पे मुजरिम का धब्बा। नाटक करके तुम थकती नहीं हो क्या? सर गिरफ्तार कर लीजिए इसे। नहीं श्रद्धा जी, आप तो अभय जी से प्यार करती है ना, हमारे अंदर अभय जी का अंश पड़ रहा है, आप उसके साथ नाइंसाफी मत कीजिए। ये आपका भी तो बच्चा होगा ना। माफ करो झूठ बोलना गौरी। और कितना झूठ बोलोगी तुम? हाँ कितना झूठ बोलोगी? मां बनना क्या होता है कि तुम्हें कैसे पता होगा जब तुम मां बनने वाली हो ही नहीं। श्रद्धा तुम ये क्या बोल रही हो? अरे तुम कितना झूठ बोलोगी, अरे भगवान से डरो तुम। मां बनना ना एक औरत के लिए सौभाग्य की बात होती है। कोई बोझ नहीं होता है ये, मगर तुमने इस बात का भी एक भद्दा मजाक बना के रख दिया सिर्फ अपने फायदे के लिए। जी, तुमसे ज्यादा घिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और ये कोई झूठ और फरेब होता था तो शायद एक पल के लिए मैं तुम्हें छोड़ भी देती गौरी, मगर तुमने मेरे पूरे परिवार को एक साथ मारने की कोशिश की, उनकी जान लेने की कोशिश की, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सर इसे इसी वक्त यहां से लेकर जाइए। ले चल इसको। श्रद्धा को खरोच भी आई ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। नहीं, बेचारे तो दूर रहो हमसे। गौरी तुम गलत कर रही हो, देखो कानून हाथ मत लो, हमारे साथ चलो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, और अगर इस बार किसी ने भी होशियारी की ना तो श्रद्धा मरेगी। गौरी श्रद्धा को छोड़ दो, चुपचाप पीछे हट जाओ। गौरी मान जाओ।
और तुम्हारे खिलाफ हमने इसलिए कंप्लेन नहीं की क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद की है गुलाल। पर अब कभी हमारे घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तुमने तो तुम वहीं मिलोगे गौरी के पास जेल में। और इस बार तुम्हारी रिहाई कोई नहीं करवाएगा। अरे ना अभय जी ना, हमका कोई पागल कुत्ते ने ना काटा है जो इन देवियों से हम फिर से उलझे रहे हैं। आप सभी ने हमका एक भला इंसान बनाई दिया है तो भैया हम तो चले अपने गांव गंगा में डुबकी लगाई के अपने सारे पाप धोने। चलते हैं। रानी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी लक्ष्मी हमारे घर आ गई। श्रद्धा तुम्हें पता है इस बार हमसे ज्यादा तुम्हारी सासू मां की जान सूख रही थी तुम्हारी चिंता में। दीदी हमें माफ कर दीजिए अपने गुस्से में आकर ना समझी में हमने अपनी सगी बहन को इतनी तकलीफ पहुंचाई। हमने सोचा ही नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा और अभी तो हम आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। दर्द पगली बहन है तू मेरी कीर्ति बचपन से तेरी नाराजगी झेलती आई हूं और हर बार तुझे मना भी लिया लेकिन ये बात मैं हमेशा से जानती हूं कीर्ति कि तू कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी और जब भी कोई मुसीबत आए तो उसमें मेरा साथ भी देगी। घर की सारी मुसीबतें दूर हो गई हैं और घर में इतनी अच्छी सजावट भी है और हम सब एक साथ हैं तो क्यों ना हम सब एक साथ जश्न मनाएं। बिल्कुल जिस तरह से हम सब ने मिलके आज इस घर में आई बला को टाला है इसी बात पे इस त्रिपाठी निवास में त्रिपाठियों का जश्न तो बनता ही है। और वैसे भी मैं श्रद्धा के साथ नाचने का मौका तो ही ना खो सकता। हंसते हंसते कट जाए रास्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे।
हमारे परिवार की, हमारे रिश्ते की डोर किस्मत की लकीरों से जुड़ी है, जो अब बिल्कुल अटूट है। दुख हो, दर्द हो या नाराजगी, हम सबका विश्वास एक दूसरे पे बढ़ता ही जाएगा। आखिर एक फोटो तो बनती है ना, फैमिली फोटो, यादगार दिन की यादगार तस्वीर, वो भी सबके साथ। भाई फोटो अच्छी आनी चाहिए, हम ना ऐसे करके फोटो खिंचवाएंगे। पर मुझे पहले फोन तो सेट करने दो।